अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं? बस कोई तकलीफ नहीं, बाकी लोग नहीं आएंगे क्या? आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि बेगम मेरी हॉस्पिटल में है और बेटा अपनी मर्जी का मालिक है। वैसे मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। ये तो अच्छी बात है। और आपकी बेटी, नसीरुद्दीन साहब ने बताया था आपकी एक बेटी भी है। वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आफाक जाओ, इसे लेकर यहां से जाओ। सॉरी, चलो यहां से चलो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मत रोको मुझे। क्या आप लोग जानते हैं जिस लड़के से आप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने आए हैं वो पहले से शादीशुदा है? प्लीज चलो यहां से चलो। अगर मैं यहां आ गई हूं तो बात करके जाऊंगी। तुम्हारे बाबा मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन ये लोग मुझे नजरअंदाज नहीं करेंगे। हर कोई तुम्हारे बाबा की तरह बेटियों से, माफ कीजिएगा, आप मौजूद मेहमान हैं, मैं आपकी और आपकी बेटी की खैर ख्वाह हूँ। मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। हाँ हमें पता है वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी दूसरी बीवी भी है और वो मैं हूँ। बस क्या कर रही हो तुम? चुप रहो तुम। बहुत बुरा किया तुमने, और तुमने भी मुझे मेहमानों के सामने जलील किया। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आफाक तलाक दो इसे अभी। सोच कह रहे हो, तलाक दो। सुना नहीं तुमने? बाबा जान आपका गुस्सा बजा है लेकिन तुम खामोश रहो घटिया बेशरम औरत। बाबा जान मत कहो अपनी गंदी जबान से। अब्बा जान तो फिर सुन लीजिए, आपका ये बेटा मुझे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि इस बेहुदा और बेशर्म औरत के बच्चे का ये बाप बनने वाला है। और एक बात, आपके इस पाक और अजीम घराने का खून पल रहा है मुझमें और कुछ ही दिनों में मैं अपना सामान लेकर इस घर में आने वाली हूं और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। सापे की बातें हो रही थी। Really? किससे? क्या जादू किया मेरे भाई ऊपर? अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो तुम्हारे बाबा जान पे जादू करना है, उनको अपनी मुट्ठी में लेना है। आपकी हसरत कभी नहीं पूरी हो सकेगी। ये चैलेंज है मेरा। जानते हैं सलमान, मेरे भाई आपके चक्कर में क्यों आ गए? क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे बाबा जान आपके चक्कर में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो सिर्फ मुझसे करते हैं। पहले मैं उन्हें प्यार करना सिखाऊंगा और फिर प्यार देना। सलमान अगर यही फिजूल बातें करनी है तो क्या मैं फोन बंद कर दूं? अगर तुमने फोन बंद किया तो पता है ना मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? गाड़ी स्टार्ट करूंगा और सीधा तुम्हारे घर के गेट के आगे आके रुक जाऊंगा। सलमान पागल हो गए क्या? तुम्हारे प्यार में। तुमसे ज्यादा दुख की कैफियत में तो मैं खो दूंगा। तुम तो औलाद ना होने पर रोती हो ना?
और मेरा दिल इसलिए दुखता है कि मेरी औलाद ही नाफरमान है। मैंने क्या मांगा था? हाँ, क्या मांगा था मैंने? मैंने अपनी नस्ल के लिए सिर्फ वारिस मांगा था ना, उसके लिए दोनों क्या एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं तुम सब की मौजूदगी में अर्जुमंद को आइंदा की जिंदगी के लिए चंद मशवरे दे रहा हूं। अगर तुम लोगों को कोई एतराज आए तो तुम लोग कह सकते हो। मैं आफाक का कोई हक नहीं मारूंगा, उसे अपनी जायदाद से आक नहीं करूंगा, लेकिन वो मेरे जीते जी इस घर में नहीं आ सकता। अब तुम्हारे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं। अगर तुम चाहो तो इस घर में सुकून की जिंदगी गुजार सकती हो। शायद मेरे मरने के बाद तुम्हारी माँ आफाक को माफ कर दे और वो इसे घर में ले आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना होगा। और दूसरी सूरत यह है कि तुम अपने माँ बाप के घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तीसरी सूरत यह है कि तुम भी वहीं जा सकती हो जहां आफाक गया, लेकिन तुम भी मेरी नजर में वैसे ही होगी जैसे आफाक है। अगर मेरे जीते जी तुम इस घर में वापस नहीं आ सकते, अब तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है? खुदा के लिए ऐसा जुल्मत करें इस पर। तुम्हें अभी बोलने के लिए नहीं कहा गया बेगम, इसको अपना फैसला करने दो। बताओ बाहू, तुम्हें कौन सा रास्ता सूट करता है? जब तीनों रास्ते आपने खुद ही चुन लिए बाबा जान, तो उनमें से जो भी फैसला कुन रास्ता है वो भी आप ही चुन लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वाह, ये होती है फरमा बरदारी। काश हमारी औलाद भी ऐसे होती। मुझे फखर है तुम पर और तुम्हारे मां बाप पर। तुम यही रहो, किसी को कोई एतराज है? बाबा जान, अगर आप आफाक भाई को माफ करते तो। हम यहां अर्जुमंद का फैसला कर रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। हां या ना में जवाब दो। जी। और तुम्हें मुमताज बेगम? जी। मिनाल से पूछो। इसने मंजूर है बाबा जान। क्या इसने तुम्हारे कान में कहा है? वो इसे बोलो हाँ या ना में जवाब दे। तुम्हें हाँ या ना में सिर्फ एक लफ्ज बोलना होगा, बोलो। ये क्या बकवास है? हाँ, कहाँ है मिनाल? कहाँ है? बाबा जान, पता नहीं अपने कमरे में नहीं थी। वो नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? पूरे घर में देखो जाके। मैं देखती हूँ। भाभी, ये मिनाल अबीर ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब हम सबको उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन भाभी, ये सोचो मिनाल, सोचो, अगर अबीर का इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया तो बाबा जान तो उसे जान से मार देंगे, और हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। अबीर ने जो झूठ तुम्हें इस कैद खाने से निकालने के लिए बोला है मिनाल, वो भी रहेगा जाएगा, और फिर तुम दोबारा से इस कैद खाने में वापस आ जाओगी। लेकिन मैं अभी मिनाल,
तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिनाल, हम सब तुम्हें मिलकर यहां से निकालेंगे। सिर्फ हम कौन है तुम? फहम, आप कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ मुझे सुनते रहे। देखिए, बाबा जान ये समझते हैं कि मिनाल घर से भाग गई है, और उन्हें इस बात का भी शक है कि या तो वो आफाक भाई के घर चली गई, या आफाक भाई खुद उसे यहाँ से ले गए हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यही इसी घर में मौजूद है। उसे हमने छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के आने तक मैं उसे यहाँ से निकाल देना चाहती हूँ। और ये फैसला मैंने किया है मिनाल के लिए और उसकी आने वाली जिंदगी के लिए। बस मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा सुनिए, जब आप वापस आने लगे ना तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं मौतात हो जाऊं। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ, अम्मी जान को भी तो सारी बातें समझानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिनाल कहाँ? मैं कुछ समझा नहीं आवाज़। मैं पूछ रहा हूं, मिनाल कहां है? मिनाल, अब जान आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिनाल यहां है? मुझे यकीन है वो यहीं है। फाहम, फाहम ये सब क्या है? मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो आफाक। जो लड़की घर के बाहर झांक नहीं सकती, वो घर से गायब हो गई, जरूर उसमें तुम शामिल हो। बताओ कहां है मिनाल? मिनाल घर से भाग गई है। तुम चुप करो, अपनी जबान बंद रखो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाक। अबजान, जहां भी हो खैरियत से हो, मैं वाकई नहीं जानता वो कहां है। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे टकराओ, और अगर तुम अपनी बीवी के कहने पे आ रहे हो तो अबजान, मेरे यकीन कीजिए, मैं वाकई नहीं जानता वो कहां पे है। मिनाल किसी की मदद के बगैर कहीं नहीं जा सकती, जरूर कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। आम जाओ, सारे घर की तलाशी लो। कुछ कहने की इजाजत चाहती हूं बाबा जान। मैंने भी आफाक के लिए अपना घर छोड़ दिया था, अगर आफाक ने मेरा हाथ थाम लिया था। इस तरह घर से बाहर कदम रखने वाली लड़कियां अक्सर भटक कर बर्बादी की तरफ चली जाती हैं। अगर कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला हाथ ना थामे, और मिनाल का तो कोई हाथ थामने वाला भी नहीं है, यहां वक्त जाया करने से बेहतर है उसे तलाश किया जाए, पुलिस की मदद ली जाए। भावजान, मिनाल नहीं है। तुम लोगों में से कोई उनको जानता है जो मिनाल के रिश्ते के लिए आए थे? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और उस गड़बड़ में तुम जरूर शामिल हो। बताओ कहां है मिनाल? बताओ। भूल जाइए आप मिनाल को। जी बाबा जान, भूल जाइए आप मिनाल को। आपकी कैद से तो वो निकल गई है, और शायद आपके लिए मर गई है वो। बदतमीज। Thank you.
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिनाल, ईमान भाभी। हाँ, तुम्हारी ईमान भाभी। कितनी प्यारी है मिनाल। मेरी बहन जो है। जी नहीं, क्योंकि इसे मेरी नंद होना था, इसलिए प्यारी है। चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि मिनाल को वहां से निकालना है या नहीं? हाँ हाँ, मिनाल मेरे साथ है, मेरे घर पे है, बिल्कुल ठीक ठाक है। रियली? चलिए ये अच्छा हो गया, अब जो बात होगी ना उसके सामने ही होगी। सलमान, तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? जो भी बात है वो बता दो मुझे। मैंने कहा ना, आप मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कीजिए, जो बात होगी वही होगी। ओके, बाय।